हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं डिजिटल क्लासिक्स। और इसमें हमारा टॉपिक है नाद के तीन भेद या विशेषताएं। इससे पहले हमने नाद के विषय में पढ़ा कि नाद क्या है। नाद एक ध्वनि है, आवाज है, एक सुरीली ध्वनि है नाद, जो संगीत उपयोगी है। आवाज वही नाद है। तो हम नाद के ही आज विशेषताएं या भेद पढ़ेंगे। तो नाद की तीन विशेषताएं होती हैं, आपको याद रखना है हमेशा। कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है कि नाद के कितनी भेद होते हैं या नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो आप बताएंगे कि नाद की तीन विशेषताएं या भेद होते हैं, या इन्हें अवस्थाएं भी हम बोल सकते हैं, कि नाद की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाद की पहली अवस्था है या भेद है या विशेषता है, वो है नाद का ऊंचा नीचापन। ऊंचा नीचापन, ठीक है, ये सबसे पहला भेद है नाद का। नाद का ऊंचा नीचापन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पिच, PITCH, पिच। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि नाद के ऊंचे नीचेपन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो आप बता देंगे पिच। तो नाद का ऊंचा नीचापन हम जान लेते हैं कि नाद के ऊंचा नीचापन कैसे होता है। तो नाद का ऊंचा नीचापन किस पर निर्भर करता है, ये स्वर की आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। स्वर की आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, स्वर की आंदोलन संख्या 1 सेकंड में जितनी तेज होगी तो नाद का वो क्या कहलाएगा, ऊंचापन। अगर वो नीचे होगी तो वो क्या कहलाएगा, नाद का नीचापन। अगर ये हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि सा जो है वो रे से क्या है, सा स्वर रे स्वर से नीचा है, तो सा क्या कहलाया जाएगा, हमारा नाद का नीचापन। और रे ऊंचा है सा से, तो ये कहलाया जाएगा हमारा नाद का ऊंचापन। जैसे हमारी सा की जो आंदोलन संख्या है वो है 240 और रे की आंदोलन संख्या है 270। ठीक है, तो जैसे जैसे स्वरों स्वरों ऊपर जाते चले जाएंगे, आरोही क्रम में चलते चले जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाते चले जाएंगे, तो वैसे ही क्या होगा, जो इनकी आंदोलन संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऊंचा नीचा ऊंचापन। ठीक है, वो नाद का ऊंचापन हो गया क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे ही वापस आते चले जाएंगे, जैसे हम अगर तार सा से वापस आ रहे हैं, तार सा की आंदोलन संख्या मध्य सा की डबल हो जाती है, वो हो जाती है 480। ठीक है, ये आंदोलन संख्या भी मैं आपको लिखवाऊंगी हर स्वर की, फिलहाल समझने के लिए देख लीजिए। तो तार सा मध्य सा से कितना ऊंचा है, तो हम लिखेंगे तार सा मध्य सा से दुगना ऊंचा है। ठीक है, तो ये क्या है, नाद का ऊंचापन। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे स्वर ऊपर बढ़ेगा, सा के बाद रे के बाद गा, रे से गा ऊंचा है, गा से मा ऊंचा है, मा से पा ऊंचा है, पा से धा ऊंचा है। तो जैसे जैसे इनकी आंदोलन संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे हमारा नाद का ऊंचापन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आंदोलन संख्या घटती जाएगी, वैसे वैसे नाद का नीचापन आ जाएगा। तो हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि जब स्त्री और पुरुष की आवाज में भी अंतर होता है। स्त्री चाहे कितनी जोर से भी चिल्लाए, लेकिन उसकी आवाज का महीनपन नहीं जाता, तो वो क्या कहलाएगा, महीनपन अगर जितना होगा वो क्या कहलाएगा, ध्वनि का नाद का ऊंचापन। और अगर पुरुष कितने भी जोर से चिल्लाए लेकिन उसका मोटापन नहीं जाता, वो क्या कहलाएगा, नाद का नीचापन। मोटापन जो होता है वो नाद का नीचापन, और जो पतलापन होता है वो नाद का ऊंचापन। जैसे आप देखते ही होंगे, जब हम नीचे के स्वर लगाते हैं, मंत्र सप्तक के स्वर लगाते हैं, तो वो भारी आवाज में हो जाते हैं, यानी कि वो मोटापन हो जाते हैं, वो नाद का नीचापन कहलाएगा। और हम तार सप्तक के स्वर लगाएंगे या मध्य सप्तक के स्वर ऊपर को बढ़ेंगे, तो उसमें हमारी क्या है, ध्वनि भी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि हमारी जो आवाज की पिच है वो भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो वो नाद का क्या हो जाएगा, ऊंचापन। तो ये हो गई हमारी पहली विशेषता। इसके बाद है सेकेंड विशेषता है नाद की, नाद का छोटा बड़ापन, है ना। तो नाद का छोटा बड़ापन भी किस पे आधारित होता है, आंदोलन संख्या की चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई पर निर्भर करता है। यानी कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि हम तबले पर आघात करेंगे, यदि हम तबले पे धीरे से आघात करेंगे, तो उसकी जो ध्वनि होगी, वो जो नाद होगा, वो धीरे से ही आएगा, यानी कि कम कम वॉइस होगी उसकी। तो अगर कम वॉइस होगी तो आंदोलन हमारा चौड़ाई में छोटा होगा। और अगर हम तबले पे तेज हाथ मारें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाद का बड़ापन, यानी कि उसमें जो आवाज होगी वो बड़ी होगी। तो
तो क्या कहलाती है, इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये आंदोलन संख्या की चौड़ाई पर निर्भर करता है, आंदोलन संख्या की चौड़ाई पर निर्भर करता है, यानी कि आघात अगर हमारा तेज होगा, किसी भी वस्तु पर आघात हमारा तेज होगा तो वो क्या कहलाएगा, नाद का बड़ापन, और आघात कम हुआ तो वो क्या कहलाएगा, नाद का छोटापन। या दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, यदि हम पास से किसी को आवाज लगाते हैं तो उसे जल्दी आवाज जाएगी, तेज आवाज जाएगी, है ना, तेज आवाज जाएगी तो क्या होगा, वो नाद का बड़ापन कहलाएगा, क्योंकि हमने उसने सुन लिया, ज्यादा तेज आवाज में सुनी। अगर उसी गति से हम थोड़ी दूर होकर आवाज लगाएंगे उसी आदमी को, तो क्या होगा, वो आवाज जो होगी वो थोड़ी धीरे जाएगी, तो उसका वो क्या कहलाएगा, हमारा नाद का क्या, छोटापन। ठीक है, यानी कि आघात किसी चीज पर पूरी शक्ति से करेंगे तो वो नाद का बड़ापन, यानी कि तेज आवाज उत्पन्न होगी तो वो नाद का बड़ापन कहलाएगा, और आघात किसी पर धीरे से करेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, तबले पर, तो वो नाद का छोटापन कहलाएगा। नाद का छोटा बड़ापन ये नाद की दूसरी विशेषता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी, यानी कि INTENSITY। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंटेंसिटी कई बार इंग्लिश में आ जाता है। इसके बाद हम करेंगे थर्ड, नाद की जाति। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टिम्बर, TIMBER। ठीक है, नाद की जाति का कैसे पता चलता है, नाद की जाति से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाद्य अब हमें सुनाई दे रहा है, यानी कि कोई ये आवाज मनुष्य की है, पशु पक्षी की है, या किसी इंस्ट्रूमेंट की है। यदि हम किसी आवाज को सुनते हैं, है ना, तो उसे उससे हम सहज ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आवाज मनुष्य की है, या कोई इंस्ट्रूमेंट की है, या कोई पशु पक्षी की है। तो नाद की जाति से हमें भिन्न भिन्न वाद्यों की, भिन्न भिन्न पशु पक्षियों की, भिन्न भिन्न मनुष्य की आवाज सुनने सुनने में आती है, और उसे हम पहचान पाते हैं, वो कौन सा गुण कहलाता है, वो नाद की जाति। ये नाद की जाति पर ही, जाति के अंतर्गत ही हम ये सब चीजें सुन पाते हैं। अगर नाद की जाति ना होगी तो हम इन सभी जो हमारी नाद है, नाद का मतलब है आवाज, अगर भिन्न भिन्न आवाज नहीं होगी, भिन्न भिन्न आवाज की जातियां नहीं होंगी, तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये आवाज मनुष्य की है या वाद्य की है। तो नाद की जाति से ही हमें ये सब पता चलता है कि यह आवाज स्त्री की है या पुरुष की है, या महीन आवाज होगी तो स्त्री की है, मोटी आवाज होगी तो पुरुष की है। शेर की आवाज आप पहचान ही लेंगे, पशु पक्षी की आवाज कैसी है, इंस्ट्रूमेंट की कैसी है, अगर सिंथेसाइजर बज रहा है तो उसकी आवाज कैसी है। तो नाद की जाति के द्वारा हम भिन्न भिन्न वाद्यों की अलग अलग प्रकृति को पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये तबला बज रहा है, ये उस आवाज से ही तो पता चला, नाद का मतलब आवाज, उस आवाज से ही हमें पता चला कि हाँ भाई ये तबला बज रहा है, ये सारंगी बज रही है, ये हारमोनियम बज रहा है, है ना। तो वो किससे पहचानते हैं, हम नाद की जाति से। तो ये हुआ आज हमारा नाद की तीन विशेषताएं। इनका बहुत कई बार इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं TGT PGT में, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे, इनके इंग्लिश के नाम भी याद रखेंगे, नाद का छोटा बड़ापन, जाति, ठीक है, सबको अच्छे से याद कर लेंगे। और अगर आप हमारी क्लासों को हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8299226960 पर, आप हमें मैसेज करिए और हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप सभी से कि आपका ये जो कंपटीशन है वो अवश्य निकले और आप बहुत जल्द संगीत शिक्षक बन पाए। धन्यवाद।